दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अलायंस वर्ल्ड के TLM कॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में। करंटली कॉइन 0.021 के अराउंड में ट्रेड कर रहा है। एक अच्छे ब्रेकआउट के बाद वापस से इसकी प्राइस में हमें अच्छा करेक्शन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल BTC और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एक अच्छा करेक्शन है, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कॉइन के अंदर निकल के आ रही है। जिन लोगों ने प्रीवियसली इस कॉइन में एंट्री नहीं ली है और करंटली इस कॉइन में एंट्री देख रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट कौन से रहेंगे, कहाँ पर आपको एंट्री देनी है और आने वाले दिनों आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे एज अ ट्रेडर, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहां पर उनको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटेजी शेयर की जा सके। चैट एक्सेस रहेगा, क्रिप्टो क्वेरीज रिजोल्व की जाएगी, सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे नए इन्वेस्टर ज्वाइन करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 0.021 पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है अभी। करेंटली इसने 0.019 वाला लो बनाया था। BTC का अगर बात करें तो 21,800 कराउ में ट्रेड कर रहा है। नीचे वाले लेवल 21,300 तक प्राइस चली गई थी। यहाँ पर डेली का चार्ट ओपन करें तो प्रीवियसली एक अच्छा ब्रेकआउट जो हमें देखने को मिला था, ओवरऑल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट में अल्ट्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। उस टाइम पे भी हमने जो कॉइन शेयर किए थे लगभग सभी कॉइन्स में अच्छा ब्रेकआउट था। इस कॉइन में भी हमने 7th of January को 0.0126 और 118 पर एंट्री शेयर की थी, जिसके बाद से इस कॉइन में ब्रेकआउट हुआ था और अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया। और जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ है, अभी भी उनका लॉन्ग टर्म का प्लान है, तो उनके पोर्टफोलियो में मिनिमम 70-80% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन उस लेवल पर अब इस कॉइन की प्राइस या दूसरे कॉइन्स की प्राइस हमें देखने को नहीं मिलेगी। डिप के अंदर अगर आप बाइंग देख रहे हैं तो ये जो लेवल है यहाँ पर ही हमें बाई करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें नीचे वाले लेवल ग्रेप करना बहुत कम चांसेस है। मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो या कोई फंड निकल के आता है। अभी रिसेंटली अगर 3-4 दिन की बात करें तो कल BUSD का फंड निकल के आया, जिससे रिलेटेड यहाँ पर US की तरफ से कुछ सेंक्शन जो लगाए गए थे स्टेकिंग वगैरह पर, और उस वजह से BUSD पर भी कुछ चीज़ें चल रही है। वो हम उसकी न्यूज़ वगैरह जो है उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो ये इससे रिलेटेड कोई फंड है, इस वजह से हमें एक अच्छा खासा डंप देखने को मिला। और अभी करेंटली अगर बात करें आज, तो US का CPI इंडेक्स डाटा निकल के आना है, जो अगर पॉजिटिव निकल के आता है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 के अराउंड निकल के आता, प्रीवियस जो दिसंबर मंथ का था वो 6.5 निकल के आया था, अभी एक्सपेक्टेड है 5.8 निकल के आ सकता है। तो JP Morgan की तरफ से एक यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है, JP Morgan ने एक बयान दिया है कि अगर 6.5 से नीचे निकल के आता है तो मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 5.8, और जैसे ही ये चीज़ें निकल के आई कि 5.8 एक्सपेक्टेड है और JP Morgan ने ये चीज़ें बोली है कि 6.5 से नीचे अगर निकल के आता तो मूवमेंट देखने को मिलेगा, उसी के बाद से इस कॉइन में ओवरऑल BTC में भी थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बाइंग देखने को मिल रही है, बाई वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है। तो इस कॉइन में हम करेंटली अगर बात करें एंट्री, अब देख रहे हैं तो 2-1 वाले लेवल पर आपको एंट्री लेनी है। हालांकि जो CPI डाटा निकल के आएगा 7 PM पर, आज शाम को निकल के आना है, और अगर उस टाइम पर थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकती है, मार्केट में वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी, बाई सेल बहुत ज़्यादा होगा, लॉन्ग या शॉर्ट भी देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आपको संभल कर रहना है। आप चाहें तो उस डाटा के बाद तक का वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि अगर डाटा 5.8 या 6 भी निकल के आ जाता तो एकदम से आपको मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। BTC ऑलमोस्ट 500 से लेकर 1000 की एक सिंगल कैंडल आपको देखने को मिल सकती है, ऐसे चांसेस हैं। और अगर नेगेटिव निकल के आता तो डंप भी देखने को मिल सकता है। दोनों सिचुएशन है, आप यहाँ पर प्रॉपर वे में प्रॉपर आपको स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। एंट्री अगर देख रहे हैं तो 2-1 वाला जो लेवल है अच्छा लेवल है, लेकिन सेफ नहीं है, उतना सेफ नहीं है जितना हम 0.17 या फिर 16 वाले लेवल पर एंट्री लेते, वो लेवल हम ग्रेब नहीं कर पाएंगे। एंट्री लेना है तो आपको यहीं पर 2019 के अराउंड में ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद चांसेस है कि ये वापस ब्रेकआउट देखने को मिले और 25 वाले लेवल को क्रॉस करके 27 या 30 को भी इस मंथ में ट्राई कर सकता है। तो अगर आप इस कॉइन को ग्रेब करना चाहते हैं तो 0.021 के अराउंड ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। आप चाहें शाम तक का वेट करें तो हो सकता है ये कॉइन आपको 0.0205 तक भी मिल सकता है।
तो वो मैं रिकमेंड करूँगा कि 205 कराउंड आपकी बाइंग अच्छी रहेगी, और आप नहीं वेट कर सकते तो 21 वाला लेवल भी अच्छा लेवल है। लेकिन एंट्री आपको 70% पार्ट से लेनी है, जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं उसके 70% पार्ट से 21 कराउंड एंट्री लेनी है। और अगर शाम को वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, कुछ ऐसा चीज़ें होती है तो मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिलेगा, तो उसमें आपका जो एरिया है नीचे वाला एरिया भी हिट हो सकता है। तो जो 30% पार्ट है वो आपको 0.0195 पर लगाना है, जो कि आपकी सेकेंड एंट्री रहेगी 0.0195। यहाँ से ऑलमोस्ट अगर 4-5% का करेक्शन होता तो उस लेवल को ये ट्राई कर लेगा। तो वहाँ की आपको बाय लिमिट लगा देनी है। जो भी आप एक्सचेंज यूज़ करते हैं, हर एक्सचेंज में बाय लिमिट का ऑप्शन होता है, और अगर आपके एक्सचेंज में नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉइन DCX या फिर बिनांस एक्सचेंज यूज़ करें। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे तो आपको साइन अप बोनस भी देखने को मिलेगा। और टारगेट की अगर बात करें तो जैसे ही मार्केट में आज का जो डाटा निकल के आ जाएगा और जो BUSD की फंड है वो थोड़ा सा इससे मार्केट में रिकवरी देखने को मिलेगी, इससे मार्केट उभर के जब आएगा 1-2 दिन के अंदर, और जैसे ही मूवमेंट होगा मार्केट में BTC 22 से ऊपर वाले लेवल को ट्राई करता है तो ऊपर ये 2527 को इजीली ट्राई कर लेगा। तो जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से एंट्री लेंगे उनके लिए 0.025 वाला लेवल टारगेट रहेगा, जहाँ पर आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, और 0.027 पर आपको बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है। 60-40 रेशो में आपको सेल आउट करना है। ऐसे मान लीजिए आप 100 टोकन बाय करते हैं तो 60 टोकन आपको 0.025 पर और बाकी 40 0.027 पर। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं मंथली बेसिस पर, एक अच्छा ट्रेड लेकर अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं मंथली बेस पर, तो उनके लिए 0.02930 वाला टारगेट रहेगा, जहाँ तक आपको 45% से लेकर 50% का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की अगर आपकी होल्डिंग है, आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो, और अभी आपको कोई जल्दीबाजी नहीं है, तो आप नीचे वाले लेवल यानी कि 19 तक का वेट कर सकते हैं बाइंग के लिए भी। और यहीं पर अगर आप बाय करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको इस साल के एंड तक या फिर आपकी 6 to 8 month की भी अगर होल्डिंग है तो आपको ये कॉइन 10 to 12 cent पर आराम से ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे हैं, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। जो नए इन्वेस्टर है वो प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करके अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, वहाँ पर आपको सिग्नल शेयर किए जाएंगे, चैट एक्सेस रहेगा, कोई भी आपकी क्वेरीज हो वो रिजोल्व की जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर स्ट्रेटेजी वहाँ पर आपको सिखाई जाएगी, कैसे मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, कैसे रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट जनरेट करना है, ओवर ट्रेडिंग को कैसे मैनेज करना है, क्रिप्टो लॉसेस को कैसे मैनेज करना है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर जो पैसा गंवाने के बाद ज्वाइन करते हैं, अगर आप नए हैं तो पहले ही ज्वाइन करके अपना पैसा बचाएं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट करें। तो जो भी इंटरेस्टेड है इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। थैंक यू।